हे गाइस, मैंने देखी बबली बाउंसर। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हो चुकी है रिलीज बबली बाउंसर। इस मूवी में जो लीड करेक्टर है बबली, उसे हो जाता है प्यार एक लड़के से। पास जाने के लिए वो बन जाती है बाउंसर और उसको बनने के बाद पहुंच जाती है दिल्ली। मूवी में थोड़ा बहुत कॉमेडी और लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है। क्या मूवी हमें हंसा पाती है? इसमें कोई खास हंसी आपको आएगी नहीं, और जो लव स्टोरी है वो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बिकॉज कुछ फीका फीका सा फील होता है मूवी में और थोड़ा बहुत एक्शन है। जिस स्टोरी ही इसका मेन है मूवी का, बट वो लव स्टोरी आपको एक रत्ती भर भी फील नहीं होता। वो इमोशन जब उसका दिल टूटता है, फिर जब वो मिलते हैं, ऐसा कुछ भी आपको फील नहीं होता। तो इस मूवी का ये माइनस पॉइंट है। प्लस पॉइंट है तमन्ना जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। सभी एक्ट्रेस ने, सभी आर्टिस्ट ने अपना काम बखूबी निभाया है, बट कहीं ना कहीं स्टोरी ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है। ओटीटी पे रिलीज है तो बहुत ज़्यादा आपको सोचने की बात नहीं है, आप फैमिली के साथ देख सकते हो, फैमिली मूवी है। और को मैं 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूँगा, बिकॉज मूवी में दम नहीं था। चाहे वो उसमें कॉमेडी की बात करें आपको हंसी नहीं आएगी, और लव स्टोरी की बात करें आपको कोई फील नहीं आएगा। सो ओवरऑल मूवी ऑन एन एवरेज एज अ टिपिकल बॉलीवुड मूवी है, आप देख सकते हैं। एक